हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हमारी जो क्लास है वो प्रबंधन की पहली क्लास है। ठीक है, आज से प्रबंधन की पहली क्लास है ना, क्लास फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, 2017 के प्रीवियस पेपर्स रहेंगे प्रश्न, और नए प्रश्न के साथ रहेंगे। ठीक है, तो और आज का जो टॉपिक भी है वो हमारा प्लानिंग से है। ठीक है, यानी कि योजना। ठीक है, योजना। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में सबसे पहला जो कदम होता है हमारा, लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित करना, ये हमारा सबसे पहला कार्य होता है किसका, नियोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट विश्लेषण का घटक नहीं है। तो कौन सा ऐसा है इसमें शॉर्ट के विश्लेषण का घटक नहीं है, तो इसमें से है रणनीति, है ना, टैक्टिक्स नहीं है। बाकी जो स्ट्रेंथ होता है वो है, वीकनेस है और अपॉर्चुनिटी है। तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, और ओ यानी अपॉर्चुनिटी, और टी यानी थ्रेट्स होता है, ना कि टैक्टिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण नहीं है, यानी कि दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास कैसा कौन सा प्लान नहीं होता। तो एक मासिक बजट जो होता है वो मतलब लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अ मंथली बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की योजना में विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन आवंटित करने के बारे में निर्णय लेना शामिल है। तो कौन सा है इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा रणनीति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रणनीति। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी है जो प्रभावी योजना की विशेषता नहीं है। तो अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, अस्पष्टता इसका आंसर हो जाएगा। बाकी विशिष्टता, लचीलापन और यथार्थवादी, ये सब क्या है, प्रभावी योजना की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा आकस्मिक योजना का उदाहरण है। तो आकस्मिक योजना का उदाहरण कौन सा दिखेगा इसमें आपको, इसमें दिखेगा प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा के लिए तैयारी करना। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग फॉर अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की योजना अल्पकालिक लक्ष्यों और दैनिक कार्यों पर केंद्रित है। तो ये परिचालन यानी कि परिचालन योजना यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उनको कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नियोजन का हमें लाभ नहीं मिलता, तो इसमें से कर्मचारी टर्नओवर में वृद्धि होना, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन में लाभ नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि बेहतर निर्णय लेना ये मिल सकता है, अधिक फोकस और सही दिशा में ये हो सकता है, बेहतर संचार और समन्वय हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, परंतु ये इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं हो सकता। ठीक है, नियोजन का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की योजना में कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में निर्धारित करना शामिल है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अप्रत्याशित यानी कोई भी अचानक घटना है। ठीक है, उसके लिए हम आकस्मिक योजना बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सामरिक योजना के प्रमुख तत्वों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये बजट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बजट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक रणनीति होती है लॉन्ग टर्म की, स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी तकनीक नियोजन प्रक्रिया में विकल्पों के मूल्यांकन में उपयोग की जाती है, इवेल्युएशन में। तो इसमें से कौन सी, ये पूर्वानुमान। ठीक है, फोरकास्टिंग, ये पहले हमें पूर्वानुमान लगाते हैं ना कि इसका क्या आउटपुट मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रभावी योजना के लिए एक आम बाधा नहीं है। तो आम बाधा कौन सी नहीं है, ओवर प्लानिंग कोई आम बाधा
नहीं है एक योजना, प्रभावी योजना में। लेकिन अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रभावी बाधा होगी, परिवर्तन का प्रतिरोध, ठीक है, और खराब संचार यानी पोअर कम्युनिकेशन भी होगा, तो इसलिए हमारी एक अच्छी योजना में ये बाधा डालेंगे, ठीक है, समस्या उत्पन्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की योजना एक विशिष्ट अल्पकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को रेखांकित करती है, तो कौन सी करती है इसमें से, इसमें से करती है ये टैक्टिकल प्लान, ठीक है, सामरिक योजना, ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन सी योजना का प्रकार नहीं है, बिक्री योजना का यानी सेल्स प्लान नहीं है इसमें से। हाँ, आकस्मिकता योजना ये हो सकती है, वित्तीय प्लानिंग वैसे भी करते हैं, और स्टाफिंग योजना ये भी करते हैं, ठीक है, तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो ये घटनाओं के घटित होने के पर प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्टिंग टू इवेंट्स एज दे एक्वायर, ये नहीं है, ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया का प्रोसेस। बाकी हम विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, योजनाओं को लागू करना ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी करते हैं, निगरानी और नियंत्रण यानी कि मॉनिटरिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कंट्रोलिंग का भी काम करते हैं, तो ये आंसर, ये प्रक्रिया के चरण है, पर कौन सा नहीं है, रिएक्टिंग टू इवेंट एज द एक्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है, तो इसमें से नियोजन का सबसे जो प्रमुख घटक है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो हम सबसे पहले निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होता है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन वक्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो इसमें है कि मिशन वक्तव्य का एक संगठन के उद्देश्य और दिशा को परिभाषित करता है, ठीक है, यानी कि टू डिफाइन एज अ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ पर्पस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है, ठीक है, ये हमारे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया के चरण में से नहीं है, मतलब इसमें से ये बोलना चाह रहे कि इसमें से भी कौन सी चरण नहीं है, किसका, हमारी प्लानिंग का, ठीक है, तो कौन सा नहीं रहेगा, एक समय रेखा स्थापित करना ये नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, तो लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, जो लक्ष्य होते हैं लक्ष्य इरादे के व्यापक बयान है, जबकि जो उद्देश्य होते हैं विशिष्ट मायने योग्य लक्ष्य हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी लक्ष्यों की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है एक जो प्रभावी लक्ष्यों की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, ये प्रभावी लक्ष्यों की विशेषता नहीं है, बाकी स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, अचीवेबल, ये सब क्या है, लक्ष्यों की विशेषता है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, थैंक यू सो मच।